हत्या के बाद एक गर्भवती महिला मुकदमा दर्ज कराने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाते दिखाई दे रही है। आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। मामला थाना कुरौली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ की रहने वाली शिखा देवी पत्नी स्वर्गीय दिलीप कुमार निवासी हजूरा सुल्तानपुर थाना कुरौली ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायती पत्र दिया है, जिसमें उसने बताया कि उसके पति दिलीप कुमार की हत्या 29 दिसंबर वर्ष 2020 के घर में आपसी बंटवारे को लेकर परिजनों द्वारा कर दी गई थी। अभी तक गर्भवती होने के कारण अपने मायके थाना वेवर क्षेत्र में रह रही है। पीड़िता के पति की हत्या में उसने शिकायती पत्र में बताया कि रेखा देवी पत्नी उग्र सिंह व प्रदीप पुत्र उदय सिंह अन्य लोगों ने की है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक दर्ज नहीं की गई। पीड़िता अपने पति के हत्यारों को सलाखों के पीछे भिजवाने के लिए दर दर भटक रही है। पुलिस अधीक्षक से उसने रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है। आज एसपी कार्यालय, क्या समस्या है? हमारे पति की हत्या करते हुए। फिर किन लोगों ने की है? हमारे जेठ जी, मेरी सास रेखा। फिर कोई कार्रवाई हुई उसमें? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज लिया आई है? हमारी परिवार की है। अच्छा, एसपी कार्यालय, क्या समस्या है? समस्या 29 तारीख से शाम को हत्या करके फांसी भी लटका दिया। किसको? जमान कमा। और जब खबर आया सवेरे, तब हम लोग गए मट्टी मिलन लाए, मट्टी दफनाए गए। और घर वाले ने उनको मारा, फिर तो हम लोगों को घर से निकाल दिया। कपड़े भी मांगे, कपड़े भी नहीं दे। और यूँ कोई सुनवाई नहीं रही, मांगी थाने पुलिस वाले ने घोषणा नहीं दी, उसने नहीं दिया। तो एफआईआर मुकदमा दर्ज हुआ अभी तक? अब कुछ